भारत वो सोने की चिड़िया जिस पर हर किसी की नजर थी। यहाँ जो भी आया उसने भारत को बेदर्दी से लूटा, पर अब ये लूटी गई धरोहर गर्व से वापस लेकर एक जगह सुरक्षित रखी जा रही है। चलते हैं पुराने किले की ओर। ये दिल्ली के मशहूर फोर्ट्स में से एक है और यहाँ के सेंट्रल एंटिक्विटी कलेक्शन में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके बारे में जानकर आपको बहुत गर्व होगा। क्या आपको पता था कि इंडिया की कई सारी मूर्तियां और एंटीक्स दूसरे देशों में इलीगली स्मगल होती आई हैं? 2014 से लेके अब तक हम 229 मूर्तियां भारत वापस ला चुके हैं। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा से ही इंडियन कल्चरल हेरिटेज को जीवित रखना चाहते हैं। इस गैलरी में 400 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं हैं जो प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर मॉडर्न पीरियड तक के हैं। इसमें कई सारी मूर्तियां, सिक्के, पेंटिंग और कॉपर आर्टिफैक्ट शामिल हैं। भारत की पहचान है भारत की आध्यात्मिक विरासत। भारत में समाज जीवन को जोड़ना, समाज जीवन को समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना, इन सब में हमारी सांस्कृतिक धारा का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो स्टैंडिंग इमेज ऑफ श्रीदेवी हो फ्रॉम चोला डायनेस्टी या फिर स्टैंडिंग बुद्धा, इन दोनों एंटीक्स को यूएसए से वापस लाया गया है। ब्रह्मा ब्राह्मणी का मार्बल स्कल्पचर जो गुजरात के ओपन म्यूजियम में चुराया गया था, उसे यूनाइटेड किंगडम से रिकवर किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं सब मूर्तियों की प्रोटेक्शन और प्रेजर्वेशन का काम देखती है और म्यूजियम को क्यूरेट करती है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि सारी स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स अपनी मातृभूमि में वापस आ सके, ताकि जिन मूर्तियों की हम कहानियां सुनते आ रहे हैं उन्हें देख और महसूस कर सके। सतयुग से लेकर कलयुग तक इतनी कहानियां जुड़ी हैं हमारे मंदिरों से, हमारी धरोहरों से, और हर एक में छुपी है सदियों की सीख। पर ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। अब बढ़ते हैं उन कहानियों की ओर जिन्होंने हमारे इस भारत देश को एक नई पहचान दी।